एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब यही कंसेप्ट को हम SMPS में समझेंगे। SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सप्लाई देने के लिए, जैसे हमारा कोई कंप्यूटर हो गया, या फिर हमारी PLC हो गई, या फिर हमारा सेंसर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको रेगुलेटेड सप्लाई की नीड हो, वहां पे हम SMPS का यूज करते हैं। मेजरली दो टाइप्स की पावर सप्लाई इंडस्ट्री में यूज होती है, एक होता है हमारा लीनियर पावर सप्लाई और एक होती है हमारी SMPS। SMPS हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और एक लीनियर पावर सप्लाई में हमारा एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो बेसिकली AC को स्टेप डाउन करता है। वो हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। उसके बाद हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद हमारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं इसको फिल्टर करने के लिए, और फिर हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा होता है जिससे हमें जो डिजायर्ड DC वोल्टेज है वो हमें एक लीनियर सप्लाई में मिल पाती है। बट एक SMPS में हमारा सबसे पहले लगा होता है AC टू DC कन्वर्टर, उसके बाद हम इस DC को एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में देते हैं जो इसको पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, और इस पल्सेटिंग DC को हम फिर देते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर में जो इस हाई वोल्टेज पल्सेटिंग DC को एक डिजायर्ड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद हम सिंपली रेक्टिफाई और फिल्टर करते हैं जिससे हमें एक डिजायर्ड DC वोल्टेज मिल जाता है। बट एक SMPS के केस में हम आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंगली स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं जिससे हमारा एक फीडबैक लूप कंप्लीट होता है SMPS के केस में। अब ये समझने के लिए कि हम SMPS को क्यों यूज करते हैं ओवर अ लीनियर पावर सप्लाई, उसके लिए आपको एफिशिएंसी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक पावर सप्लाई के केस में होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एक्चुअल पावर डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉन फ्रॉम द मेन पावर सॉकेट। अब इसका कंसेप्ट एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास एक पावर सप्लाई है जिसकी एफिशिएंसी 50% है और मेरे पास एक 50 वॉट का लोड है। तो अब ध्यान से समझो ये कि 50 वॉट के लोड को ऑपरेट करने के लिए अगर मेरे पास पावर सप्लाई की एफिशिएंसी 50% है तो मेरी जो पावर सप्लाई है वो 100 वॉट ड्रॉ करेगी जिससे वो 50 वॉट के लोड को ऑपरेट कर पाए, क्योंकि मेरी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी तो सिर्फ 50% है। तो जब 50% एफिशिएंसी होगी, जब वो 100 वॉट ड्रॉ करेगा तभी तो वो आगे 50 वॉट लोड को ऑपरेट करने के लिए दे पाएगा। अब ध्यान से समझो कि 50 वॉट की जो एनर्जी रिमेनिंग है वो गई कहाँ। बेसिकली होता ये है कि जो पावर है 50 वॉट की ये एक्चुअल में डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हर पावर सप्लाई की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है। एक लीनियर पावर सप्लाई की एफिशिएंसी 50-60% होती है, बट एक SMPS पावर सप्लाई की एफिशिएंसी 75-90% होती है। तो अब ये कंसेप्ट समझ सकते हो कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी ही कम हीट डिसिपेशन, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा पावर सेविंग। इस SMPS में करंट रेटिंग लिखी हुई है 4.5 एम्पियर, जिसका मतलब ये है कि SMPS मैक्सिमम 4.5 एम्पीयर करंट प्रोवाइड कर सकती है। काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये होता है कि जब इस पे 4.5 एम्पीयर लिखा है तो ये 4.5 एम्पीयर करंट सबको एक साथ सप्लाई करेगी, बल्कि ऐसा होता नहीं है। वो सब डिपेंड करता है कि आपका क्या लोड है, कि आपका लोड कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। अगर आपका 200 mA का लोड लगा हुआ है और आप इस SMPS को कनेक्ट करोगे तो जो आपका लोड है वो 200 mA ही लेगा, चाहे आप 4.5 एम्पीयर के SMPS लगाओ। आप 20 एम्पीयर के भी SMPS लगाओगे तो जो लोड जितना करंट लेता है उतना ही लेगा, चाहे आप कितनी भी रेटिंग के SMPS लगाओ। हमेशा ध्यान रखना कि आपको SMPS वो सिलेक्ट करनी है जिसकी करंट रेटिंग मेरे लोड की रेटिंग से ज़्यादा होगी। जैसे ये मेरे पास 4.5 एम्पीयर की SMPS है तो मैं कोई भी लोड ऐसा लूँगा जिसकी करंट रेटिंग इसकी रेटिंग से कम हो, जैसे 3 एम्पीयर का हो गया, 2 एम्पीयर का लोड हो गया, या 1 एम्पीयर का लोड होगा। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखना जब भी आप पावर सप्लाई को सिलेक्ट करोगे। आज जो मेरे पास SMPS है वो ओमरॉन कंपनी की SMPS है, जिसका मॉडल नंबर है S8FS C00 24J। इसके इनपुट में हम 100 से 240 वोल्ट AC दे सकते हैं और इस पावर सप्लाई की आउटपुट में हमें 24 वोल्ट DC मिलेगी।
इस पावर सप्लाई की करंट रेटिंग है 4.5 एम्पियर और इस पावर सप्लाई के कनेक्शन टर्मिनल कुछ इस तरह से हैं। इसमें L और N का टर्मिनल है जो बेसिकली हमारा लाइव और न्यूट्रल के लिए है। तो यहाँ पे आप अपनी 220 वोल्ट AC सप्लाई को कनेक्ट करोगे। एक टर्मिनल यहाँ पे हमारा अर्थिंग का है और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के हमें दो दो टर्मिनल मिलते हैं। मतलब आपको दो टर्मिनल नेगेटिव के लिए मिल रहे हैं और दो टर्मिनल पॉजिटिव के लिए मिल रहे हैं, जिससे आप लोड को बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक स्विच भी मिलेगा साइड में, आप SMPS के देख सकते हो। यहाँ पे आपको रेंज सिलेक्ट करनी है कि आप किस रेंज में इनपुट AC वोल्टेज को दे रहे हो। अगर आप 100 से 120 वोल्ट AC में वोल्टेज दे रहे हो तो आपको स्विच को लेफ्ट हैंड साइड पे पुश करना है। अगर आप 200 से 240 वोल्ट AC में इनपुट दे रहे हो तो आपको स्विच को राइट हैंड साइड में स्विच करना है। मेरी एक्सपर्ट राय इसमें ये है कि आप हमेशा एक प्रीमियम क्वालिटी की SMPS यूज़ करो जो आपको ओमरॉन में मिलती है, जिससे आपके लोड की और एक आपके पूरे सिस्टम की लाइफ ज़्यादा रहे ऑपरेट करते वक्त। मैंने ओमरॉन पावर सप्लाई के सप्लायर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी लोड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली पावर सप्लाई परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।